दोस्तों, ओरियो कुकीज से इसी तरह बिल्कुल मज़ेदार केक बनाने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देख सकते हो आप कितना सुंदर केक बनाया है हमने सिंपल ओरियो कुकीज से। इस वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस। ओके, आप अगर केक बनाते हो तो कभी कभी कुछ ना कुछ रह जाता है, बच जाता है, तो आप उस सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके कैसे न्यू डिशेस आप बना सकते हो, इस वीडियो में मैं ये बताया हूँ। तो एंड तक आप देखते रहिए। आप ये देख सकते हो इधर मैं कट कर रही हूँ केक को, केक मेरा कितना फ्लफी एंड कितना स्मूथ बना है, ठीक है, और उतना ही टेस्टी बना है दोस्तों। तो आप सभी को फिर से स्वागत है स्मृतिस किचन पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। केक तो आपने देख लिया दोस्तों, अब आप देख सकते हो कुछ बचे हुए इंग्रेडिएंट्स से मैंने यहाँ पे कपकेक बनाया है। कितना सुंदर दिख रहा है वो, ठीक है ना। आप देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कुछ बचे हुए व्हिपिंग क्रीम से हमने आइसक्रीम तैयार किया है। तो इसी एक वीडियो में मैंने केक के रेसिपीज, कपकेक के रेसिपीज एंड आइसक्रीम के रेसिपीज, तीनों रेसिपीज आपके साथ शेयर की है। तो आप बनाइए, खाइए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं रेसिपीज। तो यहाँ पर मैंने लिया है ओरियो कुकीज़ का 4 पैकेट। इसी तरह आप इसको अच्छे से निकाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्रीम है उसको अलग करेंगे। ये देखिए, ऐसे स्पून के मदद से मैंने क्रीम को कुकीज़ से अलग कर लिया है। इसी तरह हमको सारे कुकीज़ से क्रीम को अलग रखना है, अलग करना है। तो ये रेडी है, ये देखिए क्रीम हमारा सेपरेट हो चुका है। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे हम कुकीज और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फाइन ग्राइंड होके हमारा रेडी है, फाइन पाउडर है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर ये ग्राइंड किया हुआ कुकीज को डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 TSP, बेकिंग सोडा 1/2 TSP एंड आइसिंग शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि बिस्किट में भी मिठास रहता है। तो यहाँ पे मैं नहीं देखा पाई थी इसीलिए मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डालेंगे 1.5 कप मिल्क। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी हम 1 कप डाल रहे हैं मिल्क। आप कंसिस्टेंसी चेक करके धीरे धीरे करके मिल्क डालते रहिएगा और मिक्स करते रहिएगा। ये देखिए हमारा बैटर अभी रेडी नहीं हुआ है, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके और मिल्क डालेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, 1 TSP हम डालेंगे देसी घी। अगर आपके पास मेल्टेड बटर है आप डाल सकते हो। और फिर से हम क्या करेंगे, बीट कर देंगे। ऐसे स्मूथ टेक्सचर में हमको चाहिए, ऐसे पोरिन कंसिस्टेंसी में बैटर हमारा रेडी है, ठीक है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी। तो बैटर हमारा बेक करने के लिए रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक मोल्ड ले लेंगे। मेरे पास ऐसा वाला मोल्ड है तो मैं ये ले रही हूँ। आपके पास अगर नॉनस्टिक का होगा तो आप ले सकते हो। एंड आप क्या करेंगे ना, मोल्ड लेके उसके अंदर ऑयल अप्लाई कर देना है अच्छे से और मैदा डस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो फिर आप बटर पेपर भी उसके बेस में डाल सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ मैदा से। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मोल्ड रेडी है तो हम क्या करेंगे, बैटर को डाल देंगे और इसको अच्छे से टैप टैप कर लेंगे ताकि
कहीं पे भी अगर एयर पास हो रहा है तो फिर वो सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने ना यहाँ पे मेरा ओवन को 15 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा था, तो 15 मिनट मेरा हो चुका है और प्री हीट हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, मोल्ड को इसके अंदर रख दूँगी। कन्वेंशन मोड पे मैं 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ 30 मिनट, 24, 25, और यहाँ पे हो गया हमारा 30 मिनट। तो मैं अभी इसको स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए यहाँ हमारा बेक हो जाएगा केक हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। यहाँ मैं 500 ml लिया है, 250-250 करके दो पैकेट लिया है। इसको सब ऊपर वाला कट कर लेना है और फिर मिक्सिंग बाउल में ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, व्हिप कर लेंगे। आपको याद रखना है कि व्हिपिंग क्रीम जो है उसको वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आइसिंग शुगर डाल देंगे 1/2 कप और फिर व्हिप करेंगे। आप चाहे तो जो मिक्सिंग बॉल है उसको भी आप चिल्ड कर सकते हो। हर एक चीज़ अच्छे से चील्ड होना चाहिए। तो ऐसे व्हिप करने के बाद आप देख सकते हो ये क्वांटिटी में थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो एकदम से डबल हो जाएगा जितने भी आप लिए थे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वैनिला एसेंस। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं आधा आधा कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम को, क्योंकि मुझे जो कुकीज़ का जो क्रीम है उसको भी डाल के व्हिप करना है। तो ये कुकीज़ का जो क्रीम मैं सेपरेट करके रखी थी उसको डाल दूँगी। और फिर उसको व्हिप कर लूँगी। तो बचे हुए हमारा व्हिप क्रीम था तो उसको मैं फ्रिज में सेट करके रख दिया है। तो आपको ऐसे व्हिप करना है जब तक स्टिफ पीक ना जाए। ये देखिए हमारा क्रीम अभी व्हिप होके रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख सकते हो। तो हाफ एन आवर के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा केक अभी रेडी है। मैं इसका जो टॉप है उसको कट कर लिया है और मैं क्या कर रही हूँ, उसको बैक साइड में ही डेकोरेट कर रही हूँ। तो अब हम चलेंगे डेकोरेशन के प्रोसेस में। तो इसके ऊपर मैं व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। ये जो व्हिपिंग क्रीम है जिसको मैंने फ्रिज में 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था, ये 30 मिनट के बाद ऐसा दिख रहा है आपका, देख सकते हो। तो इसको अच्छे से चारों ओर फैला देना है केक के ऊपर और फिर अच्छे से आपको सेट कर देना है उसके ऊपर, ठीक है। अब व्हिपिंग क्रीम हमारा सेट होके रेडी है केक के ऊपर। ये मैंने डार्क चॉकलेट ग्रेट करके रखा है, तो इसको साइड में ऐसे लगा देंगे। मैं ऐसा डेकोरेट कर रही हूँ, आपको आपके हिसाब से डेकोरेट करना है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो फिर आप बहुत अच्छा केक बना सकते हो, इससे बेहतर केक भी आप बना सकते हो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चॉकलेट सिरप लिया है, इसको मैं ऐसे साइड में ना थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर में मैं बनाऊँगी, ठीक है। ये हो गया, आप देख सकते हो। अभी हम व्हिपिंग क्रीम से ऐसे शेप बना लेंगे इस केक के ऊपर, ठीक है। और नीचे भी ऐसे आप बना सकते हो या फिर कुछ डिफरेंट भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चेरी लिया है तो मैं इसको
लगा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है चेरी खाना। तो अभी बीच में मैं चॉकलेट का जो ग्रेटेड करके मैं रखी थी वो डाल दिया है, और कुकीज़ का एक लेके मैं ऐसे ही सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ब्लूबेरी का चॉकलेट था तो मैं इसे डाल देती हूँ। तो ये मेरा केक रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, बचे हुए मेरे इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको बताई थी ना मैं कपकेक बनाने वाली हूँ, तो ये जो टॉप का मैं कट करी थी केक का, तो इसको मैं क्या करूँगी, दो कप लिया थे उसके अंदर, उसके बेस में मैं इसे डाल दूँगी, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल। और अब मैं क्या करूँगी, व्हिपिंग क्रीम चिल्ड है बिल्कुल, ठीक है, तो उसको उसके अंदर में ऐसे सजा दूँगी, और ग्रेटेड चॉकलेट भी साइड में जितना भी उस पेस है उसके अंदर में डाल दूँगी, थोड़ा लुक्स अच्छा लगेगा। और अब मैं क्या करूँगी, फिर से क्रीम ले लूँगी, व्हिपिंग क्रीम, ये मेरा बिल्कुल चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है, और इसके ऊपर मैं डालूंगी अभी चॉकलेट सिरप, ऐसे ऐसे करके। आप चाहे तो कुछ भी शेप दे सकते हो, और ये फिर दूसरा, फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी मेरा फेवरेट चेरीज। वाओ, सी लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये मेरा कपकेक रेडी है। तो इसको मैं क्या करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा और चिल्ड होने के लिए, और फिर ठंडा ठंडा सर्व करना है, ठंडा ठंडा खाना है, बिल्कुल बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो चलिए, जो मैं व्हिपिंग क्रीम मेरा बचा था उसको मैं सेट करके फ्रिज में रखी थी 3-4 घंटे के लिए, तो इसको मैं ले आऊँगी। अभी मैं थोड़ा सा उसको सेट कर दूँगी, ठीक है, टैप टैप करके, और उसके ऊपर फिर मेरा बचा हुआ ग्रेटेड डार्क चॉकलेट में इसको डाल दूंगी इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह, और फिर उसके ऊपर मैं डालूंगी चोको चिप्स। आप चाहे तो चोको चिप्स को व्हिपिंग क्रीम के साथ भी आप मिक्स कर सकते हो, मैं ऐसे ऊपर डाल रही हूँ। और अभी मैं क्या करूँगी, चॉकलेट सिरप को ऐसे राउंड राउंड शेप बना दूंगी इसके ऊपर, आप हार्ट शेप भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसको मैं क्या करूँगी, 4-5 घंटे के लिए ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख के डीप फ्रीज कर दूंगी मैं 4-5 घंटे के लिए, और 4-5 घंटे के बाद मैं इसको सर्व करूंगी। अभी मैं आपको केक दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सुंदर मेरा केक दिख रहा है। आपको कप केक भी तो दिखा दी और आइसक्रीम भी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।